What is going on everybody, welcome back guys to the channel. और ये वीडियो में guys मैं आपको एक new bug दिखाने वाला हूँ जो कि इस payload mode 2.0 के अंदर available है, जो कि आप specially vehicle के जरिए ही कर सकते हो, आपको vehicle की जरूरत पड़ेगी. And यहाँ पे आप देख सकते हो मैं connect हो चुका हूँ. So very first of all मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ये payload mode 2.0 खेलना है तो आपको ये तो अभी अवेलेबल है नहीं फिलहाल. ये जो आप देख रहे हो ये गेम फॉर पीस का टेस्ट सर्वर है या फिर बेटा आप उसे कह सकते हो. एंड ये जो है ये सबके लिए नहीं है, ये काइंड ऑफ रजिस्टर करना पड़ता है एंड सॉर्ट ऑफ प्राइवेट है, तो फिलहाल तो ये आप खेल नहीं सकते. एंड ऑल्सो ग्लोबल गेम फॉर पीस में अभी तक ये आया नहीं है. ट्रायंगल 2.0 तो आ चुका है बट उसके बाद अभी समर मोड आएगा फर्दर अपडेट्स में इन गेम फॉर पीस. एंड उसके बाद लास्ट में जो है आपको पेलोड मोड 2.0 की अपडेट मिलेगी, बट उसकी जो रिलीज डेट है वो कुछ अभी तक फिक्स नहीं हुई है, ना ही कहीं पे डिस्क्लोज हुई है. तो या रिलीज डेट तो नहीं है इस मोड के बारे में, बट बहुत ही फन मोड है गाइस. अगर आपने इसके गेम प्ले देखे नहीं है, मैंने जरूर बहुत सारे गेम प्लेस बनाए हैं एंड बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी की है अबाउट द गन्स एंड व्हीकल्स. सो अगर आपने देखे नहीं है डेफिनेटली देख लेना, बहुत सारे वीडियोस है एंड बहुत ही फन मोड है देखा जाए तो. यू नो जो नॉर्मल पेलोड मोड है जो हमें अभी ग्लोबल वर्जन में देखने को मिलता है उससे तो कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो व्हीकल्स आपको मिलते हैं पूरे के पूरे आर्मर्ड है. आर्मर्ड इन द सेंस यू नो गन्स वगैरह इंस्टॉल्ड है उस पे, मिनी गन एंड देन ग्रेनेड लॉन्चर भी. तो गाइस जैसे मैंने कहा कि गेम फॉर पीस के ग्लोबल वर्जन में अभी तक आया नहीं है, जब भी अगर आता है तो मैं डेफिनेटली आपको यू नो कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके आपको बता दूंगा कि यू नो रिलीज हो चुका है. ट्रायंगल 2.0 तो आ चुका है, तो अगर आपको वो ट्राई आउट करना है जरूर आप इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो. बस आपको वी चैट या फिर क्यूक्यू अकाउंट जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ता है एंड वंस आपने कर दिया आप लॉग इन हो सकते हो इस गेम में. तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो आई थिंक बग ही चाहिए, या बग ही बहुत ही इजीली यू नो वर्क करेगी, क्योंकि आपको इस बग के लिए अगर आपको ये एनकाउंटर करना है तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक व्हीकल चाहिए जो यू नो पानी में फ्लोट हो. तो या ये जो है बग ही ये पानी में फ्लोट हो सकती है और आपको पता नहीं है तो दासिया जो है जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये व्हीकल, तो ये फ्लोट नहीं हो सकती क्योंकि उसके आजू बाजू आप देख सकते हो कुछ ड्रम्स नहीं है, तो वो जो व्हीकल है यू नो फ्लोट नहीं हो सकती. बट ये बगी एंड देन आई थिंक एक जीप जो है ये दो कार्स फ्लोट हो सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ. सो यहाँ पे भी एक बगी है, तो अगर ये और ये अटक गई तो मैं आपको वो दिखा दूंगा. सो गाइस अभी आप पूछो कि मैं यहाँ पे ब्रिज पे क्यों हूँ, तो ब्रिज पे इसलिए हूँ क्योंकि आपको ये जो व्हीकल है ये आपको अपसाइड डाउन करनी पड़ेगी एंड उसके लिए आई थिंक ब्रिज ही ईजीएस्ट वे है अपसाइड डाउन करने के लिए. आपको बस यू नो व्हीकल इस क्या बोलते हैं एच पे लेके जाना है एंड देन बस आपको पलटानी है एंड होप कि अभी उल्टी हो जाए या दे ही को. सो अभी आप ये देख सकते हो गाइस कि आप इसमें ड्राइव भी कर सकते हो, चाहे वो रिवर्स हो या फिर कैसी भी हो. आई नो जरा वियर्ड है क्योंकि मैं टर्न किसी और जगह पे ले रहा हूँ एंड हो कहीं और रहा है, यू नो लाइक इन्वर्टेड जैसे होते हैं ना, तो वैसे. बट आप देख सकते हो गाइस मेरी हेल्थ जो है वो जा रही है, तो या वो एक चीज़ ध्यान में रखना. बट डेफिनेटली आप इसे चला सकते हो अपसाइड डाउन एंड ये जो बग है ये मोस्ट प्रॉब्ली फिक्स होना चाहिए. एंड लेट्स सी अभी उतर के देखते हैं कि मेरी हेल्थ जाएगी या फिर यू नो फिर से मैं इसे चला सकता हूँ या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो मेरी जो लंग्स है जो जब आप अंडर वाटर जाते हो तो वो भी इफेक्ट होते हैं एंड आपकी हेल्थ धीरे धीरे जाती है. तो ये व्हीकल फिर से ड्राइवेबल है, लेट्स सी अगर मैं पैसेंजर सीट पे बैठ सकता हूँ या फिर नहीं, यू नो मशीन गन पे. सो या मैं मशीन गन पे भी बैठ सकता हूँ, तो ये बहुत ही वियर्ड ग्लिच है. ओके तो ड्राइव से ड्राइव भी कर सकते हैं एंड जैसे मैंने कहा गाइज ये जो है दो ही व्हीकल के साथ अफेक्ट हो सकता है, एक तो ये बग्गी है जो कि आप देख रहे हो फ्लोट हो सकती है एंड दूसरी जो है वो है अजीब बहुत ही वियर्ड बग है गाइस. सो होपफुली ये फिक्स हो जाए जब ये गेम फॉर पीस के यू नो ग्लोबल वर्जन में आती है. आप ऐसे भी कुछ ट्राई आउट कर सकते हो. आप देख सकते हो लाइक जो गाड़ी है विजिबल बिल्कुल नहीं है, जस्ट फोर टायर्स है वो भी आधे ही दिखते हैं, दैट्स इट. सो अगर आप पूछोगे कि ये फ्लोट कैसे हो रही है, तो ये जो देख रहे हो आप ब्लू ड्रम्स इसके लेफ्ट एंड राइट में, तो उसके वजह से आप इसको पानी के अंदर चला सकते हो एंड आप ऐसे कुछ वियर्ड बग्स यू नो क्रिएट कर सकते हो. सो आई थिंक ये मोस्ट प्रॉब्ली फिक्स हो सकता है आफ्टर सम अपडेट्स एंड या देखते हैं अभी गेम फॉर पीस के ग्लोबल में जब आता है तो ये फिक्स होता है या फिर ऐसे ये अपलोड करते हैं. तो ओके नेवर माइंड. ओके फिर से वो उल्टी हो गई, तो देखते हैं अभी ट्राई करते हैं. मेरी हेल्थ बहुत ही कम है, तो अगर फिर से ऐसा कुछ वियर्ड ग्लिच हुआ तो या नेवर माइंड. सो बस गाइस इतना ही था आज के इस वीडियो में. बस आपको यही एक बग दिखाना था जो कि इस पेलोड मोड 2.0 में अवेलेबल है, गेम फॉर पीस का टेस्ट है या फिर बेटा है.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेलोड मोड जो है वो अवेलेबल है और वो भी सेकंड वन, यू नो पेलोड मोड 2.0। तो गेम फॉर पीस में जब भी आता है ग्लोबल में मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसलिए अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना एंड नोटिफिकेशन की जो बेल है वो भी ऑल पे कर देना, ताकि जो भी मैं अपलोड करूंगा चाहे वो कम्युनिटी टैब हो आपको कुछ ना कुछ तो यू नो नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब के जरिए। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।